नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। इंदौर के हाई कोर्ट में लगी एक जनहित याचिका के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट गए डेली कॉलेज की स्पेशल लीव पिटीशन याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल जनहित याचिका में डेली कॉलेज के स्टाफ की सैलरी और मकान के किराए व स्कूल प्रशासन द्वारा किए जा रहे शोषण को लेकर अभिभाषक अभिजीत यादव द्वारा लगाई गई थी। देश के टॉप 10 में शुमार इंदौर के डेली कॉलेज में लगी एक जनहित याचिका में इंदौर हाईकोर्ट ने 20 तारीख पर सुनवाई में हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी न देते हुए डेली कॉलेज द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 4 दिसंबर को इंदौर हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होना है। याचिकाकर्ता अभिजीत यादव ने बताया कि डेली कॉलेज प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इस पूरे मामले में सुनवाई 4 दिसंबर को इंदौर हाईकोर्ट में होना है। बताइए सर, जो आपने दिल्ली कॉलेज के मामले में जो हाईकोर्ट में जो प्रक्रिया चल रही थी उसको लेकर जो दिल्ली कॉलेज वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसको क्या किस तरह का निर्णय दिया सर? मुझे एक जनहित याचिका स्टूडेंट दीपेश करोड़े द्वारा मेरे माध्यम से ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें कि आज डिविजनल बेंच में भी सुनवाई थी ऑनरेबल हाईकोर्ट की। बेंच कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल जस्टिस श्री एस सी शर्मा एंड ऑनरेबल जस्टिस श्री शैलेंद्र शुक्ला साहब, जिसमें कि लास्ट डेट पर जो ऑर्डर हुआ था और इनकी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डिसमिस हुई थी, उसको लेकर के एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई थी डेली कॉलेज द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आज मोशन हियरिंग पे ही वो डिसमिस कर दी गई। ऑनरेबल कोर्ट ने डिसमिस करके डिस्पोज्ड ऑफ कर दी इनकी स्पेशल लीव पिटीशन। एंड ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी आज नाराजगी जताई, बिकॉज लगातार ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नए ऑर्डर्स दिए थे कि आप एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जितने भी पेमेंट्स हुए हैं सभी एम्प्लॉयज के, उसका एक चार्ट आप फाइल करें, जो कि ये लगातार लिंगर ऑन करते रहे और इन्होंने टिल डेट भी वो फाइल नहीं किया है। लेकिन फाइल आई है, लेकिन फाइल ही एसएलपी, बट वो चार्ट फाइल नहीं कर पा रहे हैं एंड इट्स बीन अबाउट अ मंथ। तो ये पूर्णतः गलत है ये कंडक्ट। जो देखा जाए, एक जनहित याचिका हमने लगाई है जिसमें कि वी आर कवरिंग अ पब्लिक एट लार्ज, इसमें किसी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली पब्लिक एट लार्ज का शोषण नहीं होना चाहिए, तो ये डिटेल चार्ट फाइल करेंगे ये, इनका ऐसा कहना रहा है। और अगली सुनवाई इसमें 4 तारीख को होगी ऑनरेबल हाईकोर्ट में। आपका नाम बता दें। मैं अभिजीत यादव, काउंसिल फॉर द पिटिशनर। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।